अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो स्पाइरल्स या टॉर्नेडो। ये घर में बनाना बहुत ही इजी है। इसके लिए हम लोगों ने एक ही मशीन ली, उसको पोटैटो में फिक्स किया, उसको राउंड राउंड करके घुमाते रहे। तो देन उसको हम लोगों ने पोटैटो में जब फिक्स कर लेना है, तो इस तरह से जो है हम लोगों का पोटैटो जो है वो कटिंग हो जाएगा स्पाइरल शेप में। ये देखें यहाँ पे, अब इस तरह से उसको जो है उसकी शेप बन रही है। ऐसे हम इसको घुमाई जाएंगे तो हमारे पोटैटो की जो शेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बच्चों के लिए बड़े अच्छे रहते हैं, मतलब किसी भी फंक्शन के लिए, किसी पार्टी के लिए अगर हम लोगों ने कोई यूनिक सी डिश बनानी हो तो हम ये बना के दे सकते हैं, या शाम के स्नैक्स के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इसको जो है वैसे इंजॉय कर सकते हैं एज़ अ फ्राइज़, और ये बड़े मज़े के लगते हैं। ऐसे पूरा का पूरा जो पोटैटो है इसको हम लोग फ्राई करते हैं और फिर इसको खाते हैं। तो ये जो है बांग्लादेशी डिश भी है, बांग्लादेश का स्ट्रीट फूड है ये। तो इसकी जो है कटिंग मैंने आपको बताई है। तो अब ये देखें जी, हमारा जो पोटैटो है वो बिल्कुल कटिंग हो गया है। तो जब ये कटिंग हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए एक स्टिक चाहिए हमें, और फिर हम लोग क्या करेंगे उस स्टिक के ज़रिए इसको हम लोग इस पोटैटो में जो है फिक्स करेंगे और देन हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखें यहाँ पर हम लोगों ने एक जो है वो बारबेक्यू स्टिक ले ली है और इसको हम लोग अपने पोटैटो के अंदर अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसे अरेंज करेंगे तो फिर ही हम लोग पोटैटो को जो है अरेंज करके, तो उसे उसकी सेटिंग करके फिर उसको फ्राई करेंगे, मतलब उसके स्पाइरल फिर ही बनेंगे। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने जो हमारी वो शास्टिक स्टिक्स हैं इसमें पोटैटो को अरेंज कर लिया है। देन हम लोगों ने इसे जो है फ्राई कर लेना है और इसे इंजॉय करें केचप और मेयोनीज के साथ।